हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्कूल ऑफ वर्ड पावर। माय नेम इज अमित सेंगर। लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर क्लास नंबर फर्स्ट। टेक फर्स्ट क्वेश्चन। एमएस ऑफिस का कौन सा भाग नोटपैड की तरह होता है? नोटपैड का प्रयोग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड का प्रयोग भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। नोटपैड और एमएस वर्ड में डिफरेंस है कि जो एमएस वर्ड है उसमें कुछ एडवांस टूल्स मिल जाते हैं, एडवांस फीचर मिल जाते हैं, जबकि नोटपैड में ऐसा नहीं होता है। चलिए एमएस पावर पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट स्लाइड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि एमएस एक्सेल का प्रयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए करते हैं, अकाउंटिंग के लिए करते हैं, और एमएस एक्सेस डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रिट्रीव करने से मतलब रिसीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में किए गए बदलावों को नई फाइल के रूप में सेव करता है? अगर किसी डॉक्यूमेंट में बदलाव कर रहे हैं और उसको उसी नाम से सेव कर रहे हैं, सिमिलर नेम से सेव कर रहे हैं, तब तो सेव का प्रयोग होगा इस ऑप्शन का। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि आप बदलाव तो कर रहे हैं लेकिन नई फाइल के रूप में सेव करेंगे तो फिर सेव एस का प्रयोग किया जाएगा। मैंने आपको दोनों ही बता दिए, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। सेव का तब प्रयोग करेंगे जब एग्जिस्टिंग फाइल में चेंजेस कर रहे हैं और उसको फिर से सेव करना हो तो उसके लिए सेव। अगर कोई नई फाइल बना रहे हैं तो उसके लिए सेव एस का प्रयोग करेंगे। जबकि अगर प्रिंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, और प्रिंट प्रीव्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल शो ऑन द प्रिंटेड पेज, तो उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। यानी जो हमारे पास प्रिंट आउट निकल के आएगा वो एक्चुअल में होगा कैसा देखने में, वो हम प्रिंट प्रीव्यू से पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। पावर पॉइंट किसका कलेक्शन कहलाता है? तो पावर पॉइंट स्लाइड का कलेक्शन कहलाता है। एमएस वर्ड में जो पेज होते हैं वो डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, पावर पॉइंट के पेज क्या कहलाते हैं? स्लाइड्स कहलाते हैं, जबकि वर्कशीट जो होती है वो एक्सेल का पेज वर्कशीट कहलाती है। ग्राफिक्स कैन बी यानी इमेज और डिज़ाइन, कोई इमेज भी ग्राफिक्स कहलाई जा सकती है या फिर कोई डिज़ाइन होगी वो भी ग्राफिक्स कह सकते हैं उसको भी। टेक क्वेश्चन नंबर फोर। अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि एमएस एक्सेल होगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ होता है और अकाउंटिंग के लिए भी। अगर बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एमएस विजियो क्या होता है? एमएस विजियो एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग सिंपल डिज़ाइन बनाने में, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाने में, फ्लो चार्ट बनाने में, 3D डायग्राम बनाने में और मैप बनाने में, इससे भी कहीं ज़्यादा अलग अलग फील्ड्स में इसका प्रयोग करते हैं। विजियो को जिस कंपनी ने डेवलप किया उसका नाम शेपवेयर कॉरपोरेशन था, बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया, तो इसलिए यहाँ पर एमएस विजियो दे रखा है। डी ऑप्शन की बात करें, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। लोटस 1-2-3 में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो जो लोटस है, लोटस 1-2-3 में बनी फाइल का एक्सटेंशन .123 होता है। लोटस 1-2-3 एप्लीकेशन बिल्कुल एक्सेल की तरह होता है, यहाँ पर .docx दे रखा है, ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है। .xlsx दे रखा है, ये एक्सेल का एक्सटेंशन है, और जबकि लोटस 1-2-3 का एक्सटेंशन .123 है। तो ये ध्यान रखिएगा, लोटस 1-2-3 एप्लीकेशन है जो कि एक्सेल की तरीके ही होता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, किसको माना जाता है? तो लेडी एडा अगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। अगर ए ऑप्शन की बात करें तो चार्ल्स बेबेज दे रखा है। तो चार्ल्स बेबेज सर जो थे उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था, जिस उस पहले कंप्यूटर का नाम एनालिटिकल इंजन था। एनालिटिकल इंजन में जो फर्स्ट प्रोग्राम स्टोर किया गया था वो लेडी एडा अगस्टा के द्वारा स्टोर किया गया था, इसीलिए इनको पहला प्रोग्रामर या फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। और अपने पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो एप्पल कंपनी दे रखा है। एप्पल कंपनी अमेरिका की कंपनी है, IBM कंपनी भी अमेरिका की कंपनी है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटी छोटी तस्वीरों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो GUI का पहले तो फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। GUI जो होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका क्वेश्चन भी आ जाता है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन जो था कि GUI में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटी छोटी तस्वीरों को क्या कहते हैं या प्रयोग क्या कहलाता है, तो आइकन्स कहलाता है। इसके लिए बी ऑप्शन राइट होगा। तो इस तरीके से इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो अपने पास क्वेश्चन दे रखे थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे थे, जो राइट आंसर था मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस किया है, और इसके अलावा जो ऑप्शंस दे रखे थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो बेनिफिट क्या मिलेगा, ऑप्शंस डिस्कस करने से हम लोगों के टॉपिक वाइज भी कवर होते रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर होते रहेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।